नमस्कार दोस्तों, आज है 23 मई, तो 23 मई है और ये जो फर्टिलाइज़र आप देख रहे हैं खाद, ये कम से कम 7 से 8 दिन हो चुके हैं, 7 to 8 days इसको हो चुके हैं इसमें भीगे हुए। इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, 4 दिन ही काफ़ी रहता है इसको भिगा के रखने के लिए, लेकिन चूँकि बारिश हो गई थी तो इसको मैंने फिर यूज़ नहीं किया था, क्योंकि लिक्विड फर्टिलाइज़र एकदम मिट्टी जब बहुत गीली हो, क्योंकि लगातार बारिश हो रही थी, तो अब जैसे कल और आज भी हमारे यहाँ धूप निकली है, तो अब आज मैं इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करूँगी। इसमें आप क्या क्या चीज़ें हैं, आप ये जैसा कि देख रहे हैं, मैं अभी आपको पूरी चीज़ें ठीक से बता दूँगी। और ये करीब 8 से 10 दिन हो रहे होंगे इसको, इससे ज़्यादा मतलब इससे कम नहीं हो रहे। ये आप जैसे देख रहे हैं, ये पुराना, ये गोबर की खाद ही है। और ये आप जैसे केला देख रहे हैं, एक इसमें केला है, ये बिल्कुल गल गया था तो वो मैंने डाल दिया था, और इसमें 2-3 बनाना के छिलके हैं। और भी इसमें 2-3 चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगी। पहले इसको मैं इधर छान लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने इसको छान लिया है, ठीक है, ये कपड़ा हटा लेती हूँ। उसके बाद इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैं आपको वो भी बताती हूँ। इधर मैंने ये देखिए पानी मतलब ये इधर छान लिया है, अभी थोड़ा सा उसमें भी बहुत है, अभी ये जितना है ना यहाँ पे अभी इसमें बचा हुआ और है, क्योंकि ये मेरी बाल्टी 10 लीटर की पूरी तैयार हुई थी। अब हमें ये लेना है, जैसे ये देखिए मैंने इसमें ये इस तरीके से इसके नाप से, इस वाले नाप का 10 पार्ट पानी ले लिया है, इसी से नापा हुआ है, तो 10 हिस्सा मैंने पानी ले लिया है और 1 हिस्सा ये इसको मैं डाल दे रही हूँ इधर, ये देखिए इस तरीके से। तो ऐसे करके आप अपने सभी प्लांट्स में दे सकते हैं। तो जब आपको पानी देना है ना, अभी मैंने आज क्या किया है, अभी जैसे मैं शाम को यहाँ पर आई हूँ, छत पे आई हूँ, ठीक है, मैंने मॉर्निंग में पानी नहीं दिया है, मतलब थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी हल्की हल्की सी मॉइस्ट है, एकदम बिल्कुल सूखी नहीं है, एकदम डार्क मतलब वैसी नहीं है, ड्राई नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी मॉइस्ट है। तो अब मैं पानी ना दे करके इसी को दे दे रही हूँ, इसी को डाल रही हूँ। देखिए जैसे अभी ये बोगनवेलिया है, बोगनवेलिया को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, तो इसमें मैंने पानी नहीं डाला था मॉर्निंग में, इसमें पानी नहीं डाला है। और ये देखिए 2 बोगनवेलिया एक ही प्लांट में लगे हुए हैं, एक ही गमले में लगे हुए हैं, तो इसमें मैं अब पानी नहीं दे रही हूँ, मैं इसको ही डाल दे रही हूँ यही। तो अब एक से नहीं पूरा पड़ेगा, देख करके हमको एक गमले के हिसाब से प्लांट के अकॉर्डिंग इसको देना होगा। तो मैं ये 2 ढक्कन इस तरीके से, जो 2 है ये, इसको 2 इसमें दूंगी, है ना, इस तरीके से। ये देखिए इसकी जैसे बोगनवेलिया की मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, तो इसको दे दूंगी और इसमें भी इस तरीके से 2 दे दूंगी, पानी नहीं दे करके मैं इसको ही दूंगी। ये देखिए अब जैसे ये मेरा प्लूमेरिया है ना चंपा, तो सामने मैं इसी तरीके से, ये देखिए ये इधर ऐसे करके ये 2 पूरे 2 2 भर भर के इस तरीके से मैं डाल रही हूँ, है ना। अब ये है, ये वो है, नाग चंपा है, इसमें तो कई प्लांट, ये देखिए इधर ये भी लगा हुआ है, कॉस्मोस भी लगा हुआ है, ये कर दिया, ठीक है। ये है मेरा रजनीगंधा, तो मैं इसी से ऐसे करके, क्योंकि मैंने पानी जो है वो 10 पार्ट पानी लिया हुआ है, और एक खाद जो लिया है मैंने मतलब फर्टिलाइज़र जो लिया है वो 1 पार्ट लिया है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। डाइल्यूट करके हमेशा कोई भी फर्टिलाइज़र आप यूज़ करिए, डाइल्यूट करके करिए। और एक चीज़ आपको बताऊँ, इसमें चूँकि मैंने मस्टर्ड केक मिलाया है, तो टेरेस पे मतलब छत पे जो प्लांट्स हैं या फिर बालकनी में जो रखे हुए हैं उनमें तो मैं दूंगी, क्योंकि मस्टर्ड केक की एक स्मेल से आती है, उसको मैं कभी भी जो मेरे इंडोर प्लांट्स हैं उनमें नहीं देती हूँ। इंडोर प्लांट्स के लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती है मस्टर्ड केक की, तो छत वाले जितने प्लांट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये तो खैर जेड प्लांट यहाँ पे रखा हुआ है, छत पे रखा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसमें दे दिया, नहीं तो मैं अगर ये नीचे रखा होता, ग्राउंड फ्लोर पर होता, तो मैं नहीं देती। तो ये देखिए मेरा गुड़हल है, अब ये इतनी इतनी ज़्यादा इसमें बर्ड्स आई हुई है, यही सारी चीज़ें मैं देती हूँ। ये देखिए, देख रहे पूरा प्लांट, ये देखिए आप गुलाब में भी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आप क्या करिए ना, 10 दिन में एक बार आप अपने इस फर्टिलाइज़र को दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इस तरीके से। अब मैं चलिए आपको बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाया है इसको। और ये देखिए, ये वाला अलमंडा भी अभी खिल गया, ये वाला प्रून किया था मैंने, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से तैयार किया। देखिए बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि कैसे तैयार करना है, यूज़ करना। देखिए होता क्या है, शुरू में ही लोग फिर अधूरा वीडियो देख लेंगे, उसको कैसे यूज़ करना है, डाइल्यूट बिना करे डाइल्यूट करे उसको अगर इस्तेमाल कर लेते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो फिर उसमें हो जाएगा नुकसान।
प्लांट्स का होगा, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि आपके प्लांट का नुकसान हो मेरी वजह से, या मतलब आप आधा अधूरा वीडियो देखे तो इस वजह से हो जाए, ठीक है। तो इसलिए तो इस्तेमाल करना मैंने आपको बता दिया और किस तरीके से यूज़ करना है। चलिए तो देखिए दोस्तों, ये तो मेरे पास इतना तैयार है, अब मैं आपको थोड़ा सा बना के और बताती हूँ। और ये मैंने ये वाला जो कंटेनर आप देख रहे हैं ना, ये डिब्बा जो है ये यहाँ तक 5 लीटर का है, तो आप समझ लीजिए यहाँ तक 4 लीटर का हुआ, ठीक है। ये पानी इतना ले लिया है मैंने। अब ये देखिए इतना बड़ा टुकड़ा, ये इतना बड़ा, ये है मस्टर्ड केक पाउडर, सरसों की खली का जो पाउडर होता है वो है, पाउडर नहीं है, है तो ये केक फॉर्म में है, मतलब इसका पाउडर भी आपको मिल जाएगा। तो इसको इतना बड़ा टुकड़ा मैं डाल रही हूँ, ये आपका 4 लीटर वाला पानी हो गया, वाटर हो गया। जब वो मैंने 10 लीटर बनाया था तो मैंने ये 2 पीसेस डाले थे, ये बना रही हूँ तो इसका आधा कर दिया मैंने, ये 4 लीटर हो गया। अब इसमें मैंने उसमें डाला था केला, आपको दिखाया था केला एक बहुत ज़्यादा सा एकदम गल गया था, तो वो मैंने डाला। अब आपको मैं बताती हूँ, ये एक छिलका आप देख रहे हैं मेरे पास अभी, ये वाला बनाना का पील है, मैं यही डाल रही हूँ आपको। इस समय के लिए मैं बोलूँगी बहुत ज़्यादा चीज़ों को कलेक्ट करके, ये जो बायो ऑर्गेनिक है इनको बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर करके मत रखिए। अगर खाद बनानी है, खाद बनाने वाला टाइम इस समय फ़िलहाल हम लोग, मैं जैसे अपना बता रही हूँ, इस समय थोड़ा सा मैं समेटने में लगती हूँ, जो मैं पहले पुरानी खाद आद बना चुकी हूँ उसको अब कोशिश करती हूँ कि उसको, जैसे जून जुलाई वाला जो टाइम रहता है, जून आने वाला है तो बारिश वारिश का टाइम रहता है, तो उस समय अब इतना नहीं बनाती हूँ, बनती रहती है गमले में तो हमेशा यूज़ करती हूँ, कोई चीज़ फेंकती नहीं हूँ। लेकिन एक आपको मैं बोलूँगी कि इस समय ब्लैक फंगस वाइट फंगस इतना ज़्यादा हो रहा है, चाहे किसी को कोविड हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, सबको खतरा है, तो इसलिए हमें कोई भी ऐसी चीज़ें कलेक्ट कर करके नहीं रखनी है ऐसे करके। एक है तो आप यूज़ एक ही कर लीजिए, अब ऐसा ना सोचिए कि एक नहीं है अब 2-3 इकट्ठा हो जाए तब मैं बनाऊँ, ऐसे नहीं करिए, बहुत दिक्कत हो जाएगी, फंगस लगने लगेगी, गंदगी होगी, खतरा रहेगा हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। ये देखिए ये है नीम केक पाउडर, नीम केक पाउडर जो होता है ये पौधों में फंगस नहीं लगने देता है, ठंडा होता है। एक चीज़ हमने डाल दी गरम, जो ये मस्टर्ड केक होता है ये होता है गरम, ये है ठंडा, दोनों चीज़ का बैलेंस बराबर हो गया, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब एक चीज़ इसमें और ठंडे हम यूज़ कर लेते हैं, वो है ये देखिए, ये मेरी बहुत ही बढ़िया सी ये वर्मी कंपोस्ट है, तो ये देखिए इस तरीके से काफ़ी अच्छी है ये, तो इसको मैं एक मुट्ठी इस तरीके से डाल रही हूँ। अब क्या है इसको मैं अच्छे से मिक्स करके और कवर करके ढक करके और 4-5 डेज़ के लिए, मतलब 4 डेज़ काफ़ी है, इतना सफिशेंट है, 4 डेज़ के लिए रख दीजिए, नहीं तो फिर क्या होता है बड़ी सारी उसकी मस्टर्ड केक की एक स्मेल सी आने लगती है। तो आप अपना उसको कवर करके अच्छे से रख दीजिए, चाहे तो 1-2 टुकड़े लोहे के भी डाल दीजिए, आयरन भी उसमें आ जाएगा, आपके पास उसके एक्शल्स हों अंडे के छिलके अगर हों तो आप वो भी डाल दीजिए, उसमें कैल्शियम आ जाएगा। ओवरऑल बहुत बढ़िया सा ये एक तरह से आपकी ये खिचड़ी भी बन गई है, बड़ा अच्छा सा हेल्थी हेल्थ प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा सा ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है, ठीक है, कंपोस्टी भी आप बोल सकते हो। चाय की पत्ती मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि एक चीज़ इसमें और रह गई, मुझे एकदम चाय की पत्ती से ध्यान आया, गोबर की खाद है, बहुत पुरानी है, अगर आपके पास हो तो आप डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, थोड़ी सी चाय की पत्ती धुली हुई डाल दो, मतलब ये नहीं है कि दूध और चीनी वाली नहीं, वॉश की हुई, तो बहुत लोगों के पास कई बार नहीं होती है, अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, पुरानी हो, गोबर नहीं डालना है, गोबर नहीं डालना है, गोबर की खाद डालनी है, ठीक है। तो चलिए मेरे पास है तो मैं, और ये होता क्या है ना, इतने बड़े बड़े जो टुकड़े रहते हैं ना तो वो फिर मिट्टी में मिक्स करने में बड़ी दिक्कत होती है, तो मैं फिर इस तरीके से लिक्विड इसका कंपोस्टी बना के यूज़ कर लेती हूँ, तो बस इसको कवर करके और ढक के रख दीजिए और बस 10 दिन में एक बार इस्तेमाल कर लीजिए, आपको कोई और फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों ठीक है, मिलती हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्दी से, और आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करिएगा, और अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा। बाय, थैंक यू। अब मैं सारे प्लांट्स भी अपने देती हूँ फर्टिलाइज़र।